नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला रिपोर्टर पोस्ट से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात और कुछ राज्यों में हुए विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव के बारे में। सबसे बड़ी चीज रही गुजरात में, जी हाँ, 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी मोदी फैक्टर गुजरात में हावी रहा और आज तक के रिजल्ट्स के जितने रिकॉर्ड रहे हैं उसे बीजेपी ने ब्रेक किया। इसके पहले जब इंदिरा गांधी मरी थी उस लहर में कांग्रेस को 149 सीट्स आया था, बीजेपी इस बार 155 सीट से ज़्यादा सीटें ले आई हैं। कांग्रेस पार्टी की आज तक की ये सबसे बुरी परफॉर्मेंस है जिसमें मात्र उसे 16 सीट आते हुए दिख रही है। इसके पहले कांग्रेस जो है 1990 में उसकी सबसे खराब परफॉर्मेंस थी, उस समय में उसे 31 सीट आया था। आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में बहुत सारा मीडिया हाइप था, लोगों के बारे में बताया जा रहा था कि उसे बहुत सारी आएंगी, उसने 12% से कुछ ज़्यादा वोट हासिल किया और 6 सीटें पर जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश ने अपना जो रिवाज था उसे कायम रखा और इस बार भी वहां पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी ने नारा दिया था कि रिवाज बदलेगा, लेकिन रिवाज बदला नहीं। बिहार में हुए उपचुनाव में महागठबंधन को धक्का लगा है और बीजेपी ने कुर्नी सीट को जीत लिया है। वहीं मुलायम सिंह के द्वारा खाली किए हुए सीट पर उनकी बहू डिंपल यादव ने 2 लाख से भी ज़्यादा मतों से जीत हासिल की है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस विषय पर। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में उपलब्ध हैं रांची के दो वरिष्ठ पत्रकार विनय जी और उदय जी। आप दोनों का स्वागत है। उदय जी, जो रिजल्ट आए हैं मोदी फैक्टर गुजरात में तो देखने को मिला, लेकिन हिमाचल में मोदी फैक्टर नहीं चला, आपका क्या इस पर टेक है? देखिए, अब देश में राजनीति की एक अलग कहानी चल रही है। अगर यूं कहा जाए कि देश की फिजा में राजनीति की एक अलग टाइप की लहर शुरू हो गई है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव का ये प्रीएम्बल भी हो सकता है। अगर हम गुजरात चुनाव को देखते हैं तो वहाँ मोदी और शाह की जो जोड़ी थी, उनका जो करिश्माई नेतृत्व था, उसका एक बेहतरीन परिणाम देखने को मिला है। लेकिन हिमाचल के चुनाव नतीजे भाजपा के लिए काफ़ी नकारात्मक संदेश लेके आए हैं। इसके संगठन में भी काफ़ी बदलाव की गुंजाइशें अब नज़र आ रही है, क्योंकि उसी स्टेट से हिमाचल से ही जेपी नड्डा आते हैं, जिनका होम स्टेट है, और वहाँ बुरी तरह भाजपा हार गई है। और उसके बाद अगर हम यूपी के चुनाव में देखते हैं तो वहाँ भी एक अलग संदेश है कि हवा बदल रही है। हालांकि वो मुलायम सिंह यादव का सीट था जहाँ से डिंपल यादव जीती हैं, लेकिन उनका जो वोट का मार्जिन है वो काफ़ी अधिक है। बिहार में भी थोड़ा सा हम देखते हैं तो महागठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है, जो आने वाले चुनाव के लिए शुभ संकेत नहीं होगा, नीतीश जी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। हम लोग बिहार पर आएंगे बाद में, अभी हम लोग हिमाचल और गुजरात पर चर्चा करते हैं। विनय जी, राहुल गांधी के एब्सेंस में हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ा गया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में जो वोट मार्जिन का अंतर है वो लगभग 1% है, लेकिन सीटों में वो 9 सीटों का अंतर है। तो क्या कांग्रेस बिना राहुल के भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश में एक माहौल पैदा कर रहे हैं। जो उस विचारधारा के कांग्रेस या कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वैसे लोग राहुल को बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन मिला है उससे वैसे लोग बहुत उत्साहित हैं। दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में जहां प्रियंका गांधी पूरा कैंपेन कर रही थी, इंदिरा गांधी नेहरू परिवार की प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी ने काफ़ी है कैंपेन किया हिमाचल प्रदेश में, तो राहुल हो या प्रियंका हो तो एक ही परिवार के लोग हैं, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल के बिना जीत लेना और राहुल के बिना। राहुल एक प्रतीक बन गए हैं विरोध का, और मोदी के विरोध का भी सशक्त प्रतीक है राहुल गांधी। और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उनको सफलता मिल रही है, कह सकते हैं कि वो एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी 24 के चुनाव में साबित होंगे। जहां तक ये दोनों चुनाव का सवाल रहा,
गुजरात का चुनाव आप अगर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जीत हम मानते हैं, और जब से 95 से लगातार बीजेपी वहां से जीतती रही है, और 95 से बीजेपी के जीत में नरेंद्र मोदी एक शिल्पकार के रूप में रहे हैं, चाहे वो केशुभाई की सरकार थी उस समय सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी जी की रही थी। तो नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जीत हम मानते हैं गुजरात में, और इस बार उन्होंने पहले ही कहा था कि नरेंद्र के रिकॉर्ड को पटेल तोड़ेंगे, तो इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है, और एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी में आस्था व्यक्त किया है, नरेंद्र मोदी की बातों को यकीन किया है और नरेंद्र मोदी की बातों पर मुहर लगाया है, और एक बार फिर एक लंबे अंतराल के बाद सातवीं बार कह सकते हैं बीजेपी की सरकार वहां बनी है। देखिए ये तो अगर जो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में देखा जाए तो बंगाल में लेफ्ट शासन के बाद ये दूसरा बार हो रहा है कि 27 सालों के बाद भी ये एक सरकार बनी है जो लगभग 5 साल करेगी, मतलब 32 है। लेकिन गुजरात में मोरबी की घटना थी, किसानों की समस्या थी, सड़कों की बदहाली की समस्या थी, बिजली को लेकर भी, बिल को लेकर भी समस्या थी, तो क्या विपक्ष उन मुद्दों को कहीं नहीं कहीं भुनाने में पिछली बार, हालांकि बीजेपी के लिए जीत बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन इस बार इतनी आसानी से लगभग 53% वोट मिला, तो बीजेपी की ये कामयाबी रही या विपक्ष की नाकाम विफलता है? देखिए आपके ही प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इस बार जो लग रहा है चुनाव में, खास करके हिमाचल और गुजरात के चुनाव में, तो लग रहा है कुछ टेक्टिकल अलायंस हुआ था कांग्रेस और आप पार्टी में। आप पार्टी का मानना था कि गुजरात में हम परिवर्तन करेंगे, इसलिए लग रहा था कि कांग्रेस वहां हल्के में चुनाव लड़ रही है, और आप जो जहां पहले शुरू में हिमाचल में सीरियसली चुनाव लड़ रहा था वो आप अपने को एक तरह से विड्रॉ कर लिया कांग्रेस के पक्ष में कह सकते हैं। तो यहाँ टेक्टिकल अलायंस हमको लगता है कि उस समय भी हुआ था, और इसी चैनल पर हमने इसकी चर्चा भी की थी, तो कह सकते हैं कि उसमें सफलता कांग्रेस को मिली कि हिमाचल में उसको बहुमत मिला और काफ़ी अच्छा बहुमत मिला है, और हिमाचल का इतिहास रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलने का और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का हिमाचल का इतिहास रहा है। तो लोहिया जी कहते थे कि रोटी को पलटना उलटना चाहिए, लोकतंत्र में अगर रोटी को लोकतंत्र से जोड़ते थे राम मनोहर लोहिया, और कहते थे कि हर 5 साल में अगर रोटी नहीं बदलिएगा तो रोटी जल जाती है, इसलिए अल्टा पलटी होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश उन्हीं की बातों को लगता है फॉलो कर रहा है, और हिमाचल की जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है। उदय जी, जैसे इन्होंने लोहिया जी का एग्जांपल लिया कि रोटी उलटते पलटते रहनी चाहिए, लेकिन गुजरात में तो 27 साल से एक ही तरफ से रोटी पक रही है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि विपक्ष विफल रहा या बीजेपी सफल रही? जैसे रावण का मुद्दा या भस्मासुर का मुद्दा या मेन जो इश्यूज थे उनसे बीजेपी को कांग्रेस ने मौका दिया कि उसे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जब जब पर्सनल अटैक किया जाता है मोदी और स्ट्रांग होकर उभरते हैं, और गुजरात में कहीं ना कहीं ये काम कर गया। जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि विपक्ष अपने मुद्दों को ठीक ढंग से जनता को समझाने में नाकामयाब रही है, और ये भी सही है कि जब जब नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक कांग्रेस करती रही है उसको मुंह की खानी पड़ी है। गुजरात से इमोशनल रिश्ता रहा है मोदी जी का, और मोदी जी से वहाँ की जनता जो है काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी इमोशनल अटैच होने के कारण उन पर जब भी हमले होते हैं उस तरह के तो उसको रिवेंज के रूप में लेती है, ऐसा देखा गया है, ऐसा लगता है, चाहे वो पिछला चुनाव हो या इस बार का चुनाव हो। और वहाँ विपक्ष बिल्कुल बिखरा बिखरा सा रहा इस बार, चाहे वो चुनाव का कंपेन देख लें या फिर मुद्दों को उठाने के मुद्दे पर भी काफ़ी फिसडी साफी हुई है कांग्रेस भी और आप भी। जी हाँ, जब मोरबी की घटना हुई थी तो लगा था एक माहौल बनेगा, और लेकिन वो माहौल ट्रांसलेट नहीं हुआ, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो जितनी सीटें थी नीचे ही चली गई। बिल्कुल, मुद्दे को भुनाने में नाकामयाब रही विपक्ष, हो आप हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों उस तरीके से उन मुद्दों को नहीं उठा पाए। किसान का मुद्दा हो या मोरबी का मुद्दा हो, था बहुत शानदार तरीके से वो उठाने की कोशिश किए थे लेकिन सफलता नहीं मिली उनको। अच्छा एक चीज़ हम आना चाहेंगे विनय जी, कि हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के अध्यक्ष आते हैं जेपी नड्डा जी,
क्या हिमाचल के चुनाव का, चूंकि नड्डा जी का अब कार्यकाल का रिन्यूअल भी होने की बातें आ रही है, तो क्या इसके इम्पैक्ट नड्डा जी पर भी कुछ पड़ सकता है? देखिए, एक चुनाव से किसी भी व्यक्ति के पूरे करियर पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि नड्डा जी उस प्रांत के हैं आप मान सकते हैं, लेकिन नड्डा जी प्रयास किया। और लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र में जनता का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, तो जनता ने इस तरह का फैसला दिया। और वहाँ तो आप कह रहे हैं कि वहाँ का तो इतिहास रहा है, और अगर आप देखेंगे वोटों के प्रतिशत में तो काफ़ी अच्छा वोट प्रतिशत, 0.9% का अंतर है कांग्रेस के साथ, तो कोई बहुत खराब बीजेपी नहीं की है। लेकिन बीजेपी में कुछ इनफाइटिंग था, आप देख रहे थे एक कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बैठाना चाह रहे थे, वो बैठने के लिए तैयार नहीं हुए, चुनाव लड़ते रह गए, तो इनफाइटिंग को कंट्रोल नहीं कर पाए। जबकि कांग्रेस के जो नेता गए थे वहां कांग्रेस के इनफाइटिंग को कंट्रोल करके सभी कांग्रेसजनों को एक साथ बैठाने का राजीव शुक्ला ने काम किया। और इस चुनाव में राजीव शुक्ला की सफल मानते हैं, बहुत बड़ी सफलता उनका मानते हैं कि उन्होंने कांग्रेसजनों को एकजुट कर दिया। और उनका कहना था राजीव शुक्ला का कि अगर आप जब महल रहेगा तभी कमरा आपको मिलेगा, और आपका महल ही ढह जाएगा तो कमरा कैसे मिलेगा। और ये कह के तमाम कांग्रेसजनों को एकजुट करके लड़ाने का काम राजीव शुक्ला ने किया और कांग्रेस को सफलता मिली। गुजरात के बाहर हम देखें तो बीजेपी बिहार में अच्छा की है, क्योंकि बाकी राज्यों में तो मोदी फैक्टर उस तरह से नहीं दिख रहा है, तो जो बिहार में है ये क्या, जो बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का जो वादा था, कहीं ना कहीं लोगों को वो मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए बीजेपी को सफलता मिली? देखिए, बिहार में बीजेपी की जो जीत है, कुर्नी की जीत, वो हम ऐतिहासिक मानते हैं इस संदर्भ में कि वहाँ 7 पार्टियों का महागठबंधन था। और एक समय जो लग रहा था कि जिस तरह से लोग बिहार का विश्लेषण कर रहे थे कि 75% के मालिक हो गए नीतीश कुमार, लालू यादव और तमाम कांग्रेस और जो वामपंथी दल हैं वो मिलके, वैसी स्थिति में बीजेपी का जीतना इन लोगों के लिए खतरे की घंटी है, नीतीश कुमार के लिए, खास करके नीतीश कुमार के लिए। तेजस्वी यादव, देखिए पिछले कुछ महीनों के अंदर 3 विधानसभा का चुनाव, 3 में से 2 चुनाव, 2 उपचुनाव बीजेपी ने जीतने का काम किया। तो ये नहीं, 2 चुनाव जीता तो इसके पहले जो 2 आया था तो वो तो एक अपने अपने सीटिंग से जीते थे, लेकिन ये आरजेडी की सीटिंग सीट थी कुर्नी। मेरा कहना है कि इधर के 2-3 महीने के अंदर 3 उपचुनाव हुआ, 3 में से 2 रिजल्ट गया बीजेपी के पक्ष में, तो ये एक सिंबल है। और खास करके जब चिराग पासवान इसके साथ आ गए तो चिराग पासवान के वोट के असर दिखाई पड़ रहा है इन चुनावों में। और उनका जो माना जाता है कि हर विधानसभा में 5-6 हज़ार वोट उनका पर्सनल वोट है, वो जिधर कहते हैं वो उधर जाता है, वो 5-6 हज़ार विधानसभा में 5-6 हज़ार वोट बहुत माने रखता है, और हर विधानसभा में 5-6 हज़ार वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता चिराग पासवान में मानी जाती है। उदय जी, नीतीश कुमार पर चिराग पासवान भारी पड़ते दिख रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, ये एक उपचुनाव का मामला है और उपचुनाव कई मायनों में अलग होता है आम चुनाव से। तो लेकिन ये है कि वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार को नुकसान होता दिख रहा है। अच्छा, ये जो अभी चुनाव हुए हैं गुजरात के, हिमाचल के और जो बाकी राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, ये क्या 2024 का कुछ इंडिकेशन इससे माना जा सकता है? हम इसको 2024 से जोड़ के पूरी तरह देखते हैं, लेकिन इस पर बीजेपी के नज़रिए से थोड़ा सा देखेंगे तो पाएंगे कि इस चुनाव का जो नतीजा है वो उसके संगठन पे पूरा पूरा दिखाई देगा आने वाले 10-15 दिनों में। और हो सकता है कि जेपी नड्डा जी को अवधि विस्तार नहीं मिले, और ये भी हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व में काफ़ी फेरबदल हो, ये ऐसा हमको अंदेशा है। हाँ, अभी बीजेपी की 2 दिन पहले बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री भी थे, तो कुछ राज्यों के अध्यक्ष बदलने पर तो चर्चा हुई है, अब क्या केंद्रीय संगठन में भी परिवर्तन होगा, इस पर आपको क्या लगता है? ये केंद्रीय संगठन में परिवर्तन तो ये नरेंद्र मोदी जी जिसे चाहेंगे बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश का भी हम जिक्र करना चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की सीट जो मुलायम सिंह यादव की सीट थी, तो वहाँ की जनता ने मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने का काम किया और काफ़ी 2 लाख के लगभग वोटों से डिम्पल यादव जीतने में कामयाब रहे। तो ये वहाँ की जनता ने मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देके उस सीट से
बड़ी बहुमत से डिंपल यादव को जिताने का काम किया। इसी तरह से रामपुर की सीट, वहां के जो बड़े कद्दावर नेता समाजवादी नेता हैं उनकी जीत पर्सनल मानी जाती है। उससे आप पूरे राज्य का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में RLSP भी जीता है तो तीन में से BJP का खाता नहीं खुला, तो एक वहां पर भी योगी के लिए एक प्रश्न लगेगा कि उनको मेहनत करना पड़ेगा आगे चुनावों के लिए। और ये जो चुनाव है 24 के लिए एक तरह से उनको एक सुधरने का और आपस में संगठित होकर लड़ने का एक अवसर भी प्रदान किया है। BJP राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, मोदी फैक्टर पर ही डिपेंड करती है। राज्यों में सरकारों को भी जो BJP द्वारा शासित हैं उन्हें भी अपने कार्यों की रिव्यू करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो जनता के मुद्दों को एड्रेस करने में कितने सफल होते हैं। इस चुनाव का परिणाम BJP के संगठन पर क्या पड़ेगा? गुजरात में तो BJP ने एक रिकॉर्ड बनाया, मोदी का ही नहीं कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ा और एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में का जो इम्पैक्ट है वो BJP के संगठन पर और आने वाले चुनाव पर या BJP की राज्य सरकारें इससे कितनी सीख लेती हैं ये तो देखने आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि 2023 में जो कि लोकसभा के पहले का चुनाव है उसमें 4-5 राज्यों में चुनाव होना है जिसमें BJP के 3 शासित राज्य हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उनके रिजल्ट किस ओर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।